मेरा नाम अपूर्वा है। मैं युवा परिवर्तन में एज अ काउंसलर काम करती हूँ। युवा परिवर्तन में खास करके ऐसे बच्चे आते हैं स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के लिए, जिन्होंने आधी अधूरी अपनी स्कूल छोड़ा हो, या यू नो जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, ऐसे बच्चों के लिए हम स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस चलाते हैं, कोर्सेज चलाते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बाहर भी, जैसे कि बेंगलोर वगैरह। सो बेसिकली इनके लिए नर्सिंग, बेसिक कंप्यूटर, टैली, ये सब कोर्सेस, वायरमैन, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे चलाते हैं ताकि वो कोर्स करे और एट द सेम टाइम उनको प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। आई थिंक यूथ को ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में अवेयरनेस अभी से करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कारणों की वजह से जैसे कि स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं और चीज़ों की वजह से वो कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें, फैमिली डिसफंक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक भी था, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है और जो यूथ है खास करके वो कुछ गलत चीज़ें ना करें या गलत स्टेप ना उठाए, इसकी वजह से उनको खास करके ऐसे टॉपिक के मामले टॉपिक पे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। उनको इस सेंसिटिव टॉपिक के बारे में नॉलेज होना, थोड़ा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आउटलुक के साथ जो सेशन हमने करे अवेयरनेस के बारे में, पर्टिकुलर सुसाइड की अवेयरनेस के बारे में, उससे हमने ये सेशन मुंबई के सारे सेंटर में करे, जितना हो सके वो सेंटर में करे। तो सेंटर्स में सेशन करने के बाद ऐसा दिख रहा है कि बच्चे आगे आ रहे हैं, इस मामले में सवाल पूछ रहे हैं, उनको इस मामले में अवेयर होने का मौका मिल रहा है, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेशन होने के बाद बच्चे आगे आए हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए कि हमें ये सब थॉट आता है या आके गया है तो आगे क्या करें। तो ऐसे मामलों में उनको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो रिसोर्स से टाई अप करना या कनेक्ट करने का काम भी हम कर सकते हैं। अगर ये भी हमने कर लिया तो हम बहुत सारी चीज़ें बुरी होने से बचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में अगर हम सही नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज और फैक्ट क्लियर होके सेशन अगर कंडक्ट कर सकते हैं तो वो सही हो सकता है। जैसे कि आउटलिव ने सेशन करा, प्रॉपर ट्रेनिंग और फैक्ट के साथ हम ऐसे कोई भी सेंसिटिव मामलों में खास करके ग्रुप सेशन ले सकते हैं। इंडिविजुअल सेशन हम करते ही है, बट अगर हमने ये ग्रुप सेशन करे तो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, पहले बहुत सारे आउटलुक के सेशन मुंबई में हुए हैं, तो ये एक मुंबई की ही केस है जो हमें आफ्टर दिस सेशन हमारे पास आई थी। सो एक 23 साल की स्टूडेंट है जिसके पास्ट लाइफ में उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से बाहर तो आ गई, बट उसको अभी ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं हमें इस मामले में बोलना चाहिए या कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हुआ है। और ये कैसे मैं बोलूँ या किससे मुझे हेल्प कर मांगनी चाहिए, उसका नॉलेज या उसकी इन्फॉर्मेशन अभी उसके पास पूरी तरह से है। एज वेल एज आउटलिव के साथ जब सेशन करे तो बहुत सारी हेल्पलाइन का हमें पता चला, तो हमने वो भी हेल्पलाइन बहुत सारे स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी ताकि इन केस इन फ्यूचर आगे कभी ही किसी को भी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत पड़े या इस मामले में काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, हेल्प की ज़रूरत पड़े, वो सीधा उनसे कांटेक्ट कर सकती है, हमारे पास आ सकते हैं। सो ये एक आफ्टर दैट वो जो स्टूडेंट हमारे पास आने के बाद, हमने अभी तक उसके इंडिविजुअल सेशन कंटिन्यू करे हैं, कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ों पर सीरियस मतलब थाट दिया है कि मुझे इस मामले में बाकी को अवेयर करना है जैसे कि मैं हुई हूँ। सो ये एक बढ़िया चीज़ हो गई उसके मामले में, खुद तो अवेयर हो गई है और अपने साथ बाकी बच्चों को या उनके एज के पीयर्स को वो इस मामले में अवेयर करना चाहती है।